हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नीट का नया सिलेबस क्या हुआ, क्या है और क्या चेंज हुआ है, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर हटा दिया है और कौन सा चैप्टर का टॉपिक हटा दिया है, इसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में बताऊंगा कि NTA ने क्या चेंज किया है सिलेबस में, ऑफिशियल नोटिस क्या है वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं लिविंग वॉल के बारे में, इससे कौन सा टॉपिक हटा दिया है, आप लोग देख सकते इधर। लिविंग, व्हाट इज़ लिविंग, टेक्सोनॉमिकल एड्स, उसके बाद बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम्स, बोटानिक जूलॉजिकल पार्क, ये सब हटा दिया है। आप लोग सारा देख सकते हैं, उसको ऊपर करके दिखा सकता हूँ। आप लोग इधर भी देख सकते हैं, प्लांट किंगडम के चैप्टर भी, कुछ कुछ टॉपिक है उसको हटा दिया है। एक इसमें सारे 11 का चैप्टर है। और आप लोग अगर पूरा PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया हुआ है, उधर में आप लोगों को सारा PDF मिल जाएगा। इधर से आप लोग देख सकते हैं 12 लेसन 6 का क्या क्या हटा दिया है। इसमें सिर्फ बायोलॉजी है और भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए इधर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का पूरा चैप्टर हटा दिया है, न्यूट्रिशन मिनरल न्यूट्रिशन का पूरा चैप्टर हटा दिया है, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का पूरा चैप्टर हटा दिया है, और भी बहुत कुछ है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मेरा केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर हटा दिया है, गैस मैटर स्टेट ऑफ मैटर गैस एंड लिक्विड का पूरा हटा दिया है। और फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में आप लोग देख सकते हैं किन किन चैप्टर को पूरा हटा दिया है, आप लोग देख सकते हो। फिजिक्स में भी ऐसा ही है। तो अगर क्लास 12 का पूरा रिडक्शन के सिलेबस चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अभी देख लेते हैं NTA का ऑफिशियल नोटिस में क्या दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस ये वाला वीडियो आप लोग के दोस्त को के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत हेल्प हो जाएगा, नया सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा। तो आप लोगों को NTA का ऑफिशियल नोटिस में दिखा देता हूँ क्या है उसमें। इधर से आप लोग देख सकते हैं NMC का नया सिलेबस अप्रैक्स 3 में है, और जो उसमें पुराना वाला सिलेबस वही दिया हुआ है, अभी उसमें कोई नया चेंज नहीं है। जो नया सिलेबस को आते आते मार्च तक आएगा, तो आप लोग उससे पहले क्या कर सकते हैं, आप लोग नया NCERT फॉलो कर सकते हैं NEET 2024 के लिए। जो अगर बाद में सिलेबस में पुराना NCERT का चैप्टर भी दिया होगा तो आप लोग थोड़ा बहुत उधर से पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग मतलब ज़्यादातर तरीका इस बार NEET 2024 में नया NCERT के बेस टाइप ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर उससे ज़्यादा आ गया तो आप लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पुराना सिलेबस भी, वो आप लोग जब नया सिलेबस आ जाएगा तब पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।